पहाड़ में ना मिनरल्स बहुत होते हैं पानी में, इसीलिए फ़ायदेमंद है। मतलब प्यास लगे या ना लगे पानी पी लेना चाहिए। दो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी गाइस? आप धूप आज इतनी मस्त खिली हुई ना, कसम से बहुत ही शानदार। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, मैं आपके लिए आज सरप्राइज चीज़ लेके आ रहा हूँ वहाँ से। आप आगे बने रहो, कंटिन्यू वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा। सुबह के 9:30 बजे हुए अभी मैं निकल गया अपने घर से। अब साथ में मेरे पास ये बोरी भी है, इसमें पैक करके लाना। वाह, चल रहा है बढ़िया सिंचाई का काम, मस्त एकदम। एक तो चढ़ाई भी इतनी है ना, घर से लेकर पूरी मतलब चढ़ाई है, घाटी है, बस थोड़ा सा आगे रोड आने वाला है। पूरा रास्ता मतलब ऐसे ही बिल्कुल संकरा सा, ये देखो सेंटीमीटर में रास्ता भी, और चलना भी पड़ता है बड़ा ध्यान से इस रास्ते में, नहीं तो मतलब सीधा है नीचे है, मतलब डायरेक्ट ही है नीचे, हिसाब किताब हो जाएगा गड़बड़ फिर। अब जाके थोड़ा सड़क में आने का मौका मिला, सीधे चलने का मौका मिला, नहीं तो भाई पता ही है घाटी में ना ऐसे से बंदे की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। अगर किसी को सांस चढ़ने की दिक्कत है ना, बहुत टफ है घाटी में चलना। तो अब मेरी वो जगह भी आई गई पीछे, ये तो गांव है ना, ये वाला ये मेरे रिलेटिव का गांव है। जय माँ भवानी, जय महावीर। वाह जी, प्यास तो लगी नहीं वैसे, फिर भी नेचुरल पानी है तो पी लेता हूँ। बहुत है, सही है भाई। सबसे अच्छी बात यह तो कि पहाड़ में ना मिनरल्स बहुत होते हैं पानी में, इसीलिए फ़ायदेमंद है। मतलब प्यास लगे या ना लगे पानी पी लेना चाहिए। ये मंदिर बड़ा अच्छा दिख रहा है पहाड़ों पे ना, बिल्कुल हाइट पे, मस्त लग रहा है मंदिर एकदम। इस गांव का मंदिर है ये पूरी की पूरी चट्टान है ये, फिर मतलब इसमें कितने सुंदर फूल खिल रहे ऊपर है ना, घास लगी चट्टानों में भी, सही यार। भाई साहब चट्टानों में घास कैसे लगी है जगह जगह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली मेरे रिलेटिव यहाँ पहुँच गया। जी जी, क्या हाल चाल तुम्हारे? ये जाने ना हमारे, ये जाने ना हमारे, जा उड़ा दी रे दोस्त। ये दो चल तो दोस्त अनंतर में आए गए है, अरे चला देना हमारे घर। हाँ दोस्त देखा शर्ती नहीं करना, ठीक है? हाँ तो पिटाई भी होती है डंग डंग से वाली। ये बनाएगा हमारा नया बंदा, वो कहा बुझे इसके बॉबी, अच्छा बालू जा, बालू भाई तेरा नाम? हाँ बालू, बालू यही हो मेरा नया दोस्त, मेरा नया बंदा बनेगा ये बालू। हाँ बालू, बंदा तो मेरे को ठीक लग रहा है, शांत रह रहा कुछ। ये क्या लगा रख रहे थे इसमें, क्या फसल है बाड़ों में? अरे कुमरो खोद लेगा कुमरो। हाँ दोस्त कुमर कहाँ से लगाया थे? चलते फिर है ना, ऐसे बाट वाले जो तुम डोले जैसे तुम्हारे
बाटर जुरो लेसा बाटर रे ओ बाटर जुरो में क्या पाछु हां सर ठीक है तो एस कुरा पैक का बढ़िया हां पैक कर दे तेल लगा दे ठीक है। लोग तो भाई मैं यार बाल उचल पड़े अब जरा यहां से। अब ये बता रहे थे बोलो इसका मुंह ढक देना जब रास्ते में ले जाएंगे कुत्तों को। यार गिर गया नीचे में। बोलो कुत्ते ना रास्ता याद रखते हैं कहीं ये वो वापस नहीं आ जाए। भाई तेरे को मैं वापस नहीं आने दूंगा ये बात जान ले तू पहले ही समझ रहा है ना। मैं और बाड़ू पहुंच गए यहाँ पे देखो तो कैसे देख रहा है ना। दिख रहा तेरे को अपना का घर दिख रहा सामने हाँ बाड़ू है ये रहा तेरा घर सामने दिख रहा उधर ठीक है। भूख तो लग रही है अब तो खाना नीचे ही खाएंगे है ना। भूख लग रही है चल कोई नहीं चलते राम राम से। मैं इधर रेस्ट कर रहे हो यहाँ पे ये भी इधर घूम रहा है आजा बोलो आजा आजा वहाँ पे जाना यार कहीं तू रास्ते से अपने। खैर ये रास्ता हमारे गांव की तरफ जा रहा है ये रास्ता है इसका तो अगर यहाँ पे चला गया आजा भाई दोस्त बोलो आजा ओए आजा 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 चलते हम नीचे अब चल चलते आजा आजा चल आजा यहाँ बैठ इधर यहाँ जा पैक यहाँ पे इस बोरी के अंदर पैक हो जा अभी फिलहाल नीचे घूमना तू घर पे जितना मर्जी ठीक है। चल कर सकता है कोई गैस कि मेरे पास इस बैग में एक पिल्ला है बालू इसके अंदर। A few moments later हमारे घर का नया सदस्य है ये हमारा घर का नया सदस्य बालू धूप में सो रहा भी आराम से इसका नया नाम रखना हमने दोस्त भूख तो लग रही है। हेलो टोबी हेलो हेलो टोबी कैसा है टोबी ओए सुना इग्नोर मार रहा बे इग्नोर मार रहा बे ओए ओए दोस्त गाल सुन तू मेरी गाल सुन एक तू मेरी गाल सुन। शाम हो गई है 5 बज चुके हैं। मैं आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक मार देना बहुत जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना बाय।